सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। वैसे तो लास्ट ब्लॉग है ये, क्योंकि आज घर जा रहे हैं। फिर यदि कॉलेज खुलती है तो दोबारा यहाँ से ब्लॉग बनाई जाएगी, पर अभी के लिए तो लास्ट ब्लॉग है। तो स्वागत है आपका इस लास्ट ब्लॉग में, हमारे हॉस्टल से, हमारे कॉलेज से। और आज आखिरी दिन है, तो अभी यहाँ से जाते हैं हम थोड़ा बाहर, ठीक है? या पहले देखते हैं कैंटीन में जाकर, अगर वहाँ कुछ नाश्ता होगा ढंग का तो वहीं कर ली जाएगी, अदरवाइज हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। बाहर ही चलते हैं, बाहर ही जा रहे हैं हम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोविड या कोरोना जैसा वर्ड मतलब कौन नहीं बोला होगा, है ना? यहाँ पे आप अगर देख लीजिए हमारे ही कॉलेज में, तो हर एक शख्स, हर स्टूडेंट के लाइफ में हर दिन कोविड की वजह से आपाधापी मची हुई है। यहाँ से जाना पड़ रहा है, मतलब उसको हजारों बार कोविड बोलना पड़ा होगा। अजीब बात है। बाय द वे, ये प्लान्स और सपने और दुनियादारी काम नहीं आते यार। चीज़ें होती हैं अपने पेस में, अपने तरीके से। आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपना रोल अदा करने के। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। आप ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं। हम हॉस्टल वापस पहुंच चुके हैं। तो आपका तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ, हम तो यही हैं। वही हाँ, यही है। कोविड से आपको क्या फर्क पड़ता है? कोविड से देखिए, जो पड़ेगा। तो हम अभी जा रहे हैं राघव का रूम देखने, फिर राघव यहीं रहेगा। हाँ भाई, अब यहीं रहेंगे, जॉब होने के बाद ही घर जाएंगे। तो ये मामला है, हम जा रहे हैं पर इनका रूम पहले देखने जाएंगे, उसके बाद निकला जाएगा। तो चलिए भाई, आप तैयार होइए जल्दी से। फटाफट मुंह धो लेते हैं, आप भी रेडी होइए। ये आदमी रेडी लग रहा है, देख रहे हैं, रेडी लग रहा है, तैयार हो गया। डिलीवरी वाले भैया को आज भी कोई बुलाया है। रूम में तो आपको भी रहना है, आप घर नहीं जा रहे? घर जा रहे हैं। आप घर जा रहे हैं? आज 2 बजे की ट्रेन है, हम जा। तो ये जो रूम हम लोग खोज रहे हैं, इसमें आपको नहीं रहना? अच्छा, क्लियर। 2 बजे आप भी जा रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं था, हम भी 2 बजे जा रहे हैं। किचन हो गया, बाथरूम हो गई, और यहाँ पे एक रूम, यहाँ पे और एक बाथरूम, इधर भी है एक वॉशरूम, 2 वॉशरूम है, एक किचन है। सही है, यहाँ हमारा डिस्कशन चल रहा है। एकदम विकास जी, अब हम लोग को रूम मिल गया, आराम से रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल। सारा है उधर, दिखा लीजिए थोड़ा। ये हमारा बैल्कनी है, छोटा सा ही है लेकिन एकदम मजेदार है। आगे पीछे बिल्डिंग भी दिख रही है एकदम। रूम पसंद आया? बहुत मस्त रूम है। तो लिया है, जैसा रूम खोज रहे थे वैसा ही मिला। तो ये हमारे सारे लोग रहने वाले हैं इस कमरे में, और ये पहले से ही रहता है राजेश भाई हमारा, और श्रीमान को तो जानते ही आप पहले से, ये भी यही रहते। खाना अभी बनाना है। छत है इन लोगों का। एक और घंटा बचा है तो भोजन करते हैं और निकलते हैं। हाँ, लास्ट दिन खा रहे हैं सौरभ के साथ खाना, और सौरभ के खाते पे खा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा। ये
हमारे प्रिय मित्र विकास अशोक हुए, इसको हम प्यार से मुजोटो के नाम से जानते हैं। पी5 हॉस्टल में आई मीन डार्विन हॉल ऑफ रेसिडेंस, और विकास जी का ये अंतिम दिन पी5 में। गुड टाइम विल बी कम सून, डोंट वरी, डोंट लूज होप, गौतम का ज्ञान लेते जाइए, और डोंट लूज होप, स्टे होम स्टे सेफ। तो पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक टोटो लाने जा रहे हैं, सामान बहुत सारा है और दो तीन लड़के जा रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों। हाँ, चलिए बाय बाय, सावधान से जाइए, सावधानी से जाइएगा, तैसे मिलेगा फाइनल। बढ़िया बढ़िया, बाय बाय, अब ब्लॉग बनाते रहिए, ब्लॉग डालते रहिए, बिल्कुल चलते हैं। तो निकल चुके हैं यहाँ से हम लोग, अभी हावड़ा स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, हमारी ट्रेन एक डेढ़ घंटे बाद प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। दोस्तों 5-6 घंटे की सफ़र होने वाली है, और अभी तो बस 7 बजे हुए, तो नाश्ता वगैरह कर ली जाए थोड़ी, है ना। आप भीड़ देख रहे हैं आप, हावड़ा स्टेशन आज 58,000 केसेज आए कोविड के, लेकिन हावड़ा तो हावड़ा है, यहाँ तो भीड़ रहेगी बहुत ज़्यादा भीड़। तो भोजन आ चुकी है, खाते हैं पहले, अब चलते हैं, ट्रेन आ चुकी है, तो बैठ चुके हैं, अब खुलने वाली थोड़ी देर में खुल जाएगी सर। देखो तकलीफ खुशी ढूंढना, या तकलीफ में खुशी क्या होती है, कोविड की वजह से जा रहे हैं छोड़कर, दुख है, पर आपकी ट्रेन आती है, आपका सीट मिल जाता है, आप बैठते हो, तो बैठने के बाद, सीट मिल जाने के बाद आपको खुशी मिलती है, ठीक है, आप सही से बोलते हैं, तो ये होता है तकलीफ में का आवाज़। दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके, कितना करीब, इतना करीब कि आधा घंटा और लगेगा, यानी अगला स्टेशन। दोस्तों पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, अपनी स्टेशन पर, और यहाँ पे बिल्कुल कुहासा है, कोहरा है हर तरफ, ठंड बहुत ज़्यादा है हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की अपेक्षा, तो अब चलते हैं अपना घर। देख रहे हो आप, कुहासा है बिल्कुल हर तरफ, कुछ दिखाई तक नहीं पड़ रहा, तो ये बात है, तो थोड़ा सा अडेप्ट करने में वक्त लगेगा, क्योंकि कम ठंड की आदत पड़ चुकी थी, और अब बहुत ज़्यादा ठंड एक्सपीरियंस करना है हमें। ठीक है, फिर निकलते हैं हम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, और आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, है ना। तो कॉलेज से वापस आ चुके हैं, और अभी अभी हमने अपनी कैब खो दी है, मतलब ऑटो पे चढ़ रहे थे और उसी दौरान कहीं गिर गई होगी। खैर मिलते हैं, हम छोटी मोटी दुख भी शेयर कर लेते हैं आपसे।